Dear students, this is me, Aisha Faz, and I'm your English teacher of class 4. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your book, Oxford Progressive English, at page number 82. We are going to start lesson number 3 of unit number 16 Reading Ghost Story. Read part 1 of the story and answer the question. कहानी का पहला हिस्सा पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए जैसा कि आपको याद है लेसन नंबर वन में यूनिट नंबर सिक्सटीन के लेसन नंबर वन में द हॉन्टेड हाउस में हमने सबसे पहले स्टोरी पढ़ी थी और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस थे उनका आंसर किया था इसी तरह यहाँ पे भी हम पहले ही पढ़ेंगे कहानी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सवाल का जवाब देंगे सो द क्वेश्चन इज वट है ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन क्या हुआ जी तो डियर स्टूडेंट्स आर यू रेडी Do you wanna listen a story? Okay, let's start. The the first evening, the children went upstairs of an super. It was nearly dark. चले गए अंधेरा तकरीबन छा चुका था It was nearly dark. Go so, and लुक फॉर अ गोस्ट Asked होली होली ने पूछा क्या हमें ऊपर जाकर भूत को तलाश करना चाहिए डोंट बी सी ली बैथ बेथ ने कहा बेवकूफ मत बनो देर इज इंट अट कोई भूत नहीं है आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन मैं टेलीविजन देखने जा रही हूँ टू होलीव इन गोस्ट बट एंडी ने होली से असल गोशी में कहा यकीन में भी भूतों पर यकीन नहीं रखता लेकिन Go up and see, isn't it? Said huh? तो फिर ऊपर ऊपर जाकर देखना, है है ना कि जिन है या नहीं। बता सकते हैं, हम अबू को बता सकते हैं कि वो खामा थे वहां पे कोई जिन नहीं था एंड एंडी लेफ्ट बेथ वाचिंग टेलीविजन विद ग्रैंड दे ओपन टू द लाउडिंग like और होली ने बेथ को दादी अम्मा के पास टेलीविजन देखते हुए छोड़ा और इन्होंने ऊपर जाने वाली ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाजा खोला आर खामोशी से वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दी उन्होंने और ऊपर जो मौजूदा दरवाजा था वो उसको खोला तो इसके खोलने से एक बुलंद आवाज पैदा हुई एक हॉरर वॉइस पैदा हुई, जैसे किसी हॉरर फिल्म में किसी दरवाजे खोलने से आवाज आती है इसी तरह बिल्कुल उनको इसी तरह की आवाज आई हॉरर वॉइस पैदा हुई आई एम गोइंग डाउन स्टेयर सेट होली होली ने कहा मैं वापस जा रही हूँ एंडी ने कहा तुम tum आना चाहती थी अब वापस मत जाओ इन टू द एटिक इट वॉज नियरली डार्क नाउ बट मून लाइट वॉज शाइनिंग थ्रू द विंडो ऑल अराउंड दे सो कार्व टेबल्स एंड चेयर्स विद स्ट्रेंज फ्लावर्स ऑन देम वर ऑल कवर्ड विद डस्ट शीट्स क्या कहा कि तुम्हें जरूर आना चाहिए तुम आना चाहती थी ऊपर अब चलो अब पीछे मत मुड़ो अब तुम चलो मेरे साथ शी ही स्लोली वो ऐसा ऐसा चलते गए कमरे में दाखिल हुए तकरीबन अंधेरा हो चुका था लेकिन खिड़की से चांदी की रोशनी अंदर आ रही थी अपने चारों तरफ इन्होंने अजीब गरीब फूलों के नक्श निगार वाली मेजें और कुर्सियां देखी वो सब गिर्द वो सब थी, से भरी हुई थी टर्न द लाइट ऑन से लाइट वोशनी जला दो होली ने कहा एंटी ने एक स्विच को छुआ चंद लम्हों के लिए रोशनी चलती रही और बुझती रही तब एक धमाका हुआ और रोशनी बुझ गए लाइट चले गई एंडी वॉकड फॉरवर्ड स्टॉपलीउडिंग को हरकत नहीं दे सकता था कोई चीज इसे पकड़े हुए थी अचानक बादलों की आवाज की तरह एक बुलंद गिर गिराती हुई आवाज भरी बादलों के गरजने की तरह एक बुलंद आवाज आई

कोई शेप बनी हुई थी दीवार पे लुक शी सेड इट्स मूविंग वो देखो इसने कहा वो देखो ये हरकत कर रहा है क्या तुम्हारे ख्याल में ये हवा है एंडी ने सर गोशी की डू यू थिंक इट्स द विंड एंटी इट कैंट बी शी रिप्लाइड

नीचे पहुंच न गए नहीं रुके वो मुसलसल भागते रहे जब तक के वो सेफ जगह पे नहीं पहुंच गए एक्सीलेंट सेट दोस्ट भूत ने कहा बहुत खूब माई स्पेल्स वर्कड ब्यूटिफुली दे वॉन्ट कम बप हेअ अगेन मेरे लफ्ज़ों ने बहुत खूब काम किया और अब वो दोबारा ऊपर नहीं आएंगे जी तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की एक्टिविटी आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन था फर्स्ट था वट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे फर्स्ट डे पे क्या हुआ सो द आंसर इज एंड हॉली वेंट अप टू द बेडरूम इन एटेक देर दिस वाइट शेप विच विज पर गोस्ट देर बैडली फ्राइटेंड एंड रैन डाउन स्टिल्स मतलब एंडी और होली ऊपर बेडरूम में गए ठीक है ऊपर वाली मंजिल पर गए जहाँ पर उन्होंने एक वाइट शेप का कुछ देखा ठीक है कोई अक्स देखा कोई साया देखा उनको गालबा ये महसूस हुआ कि वो एक जिन है और वो बहुत खौफजदा हो गए और दोबारा से वापस नीचे आ गए Thank you so much, dear students. I hope you story boards on you. Inshallah, I'll explain further more concepts in the next videos. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz. And uh, now, dear students, you are going to learn and write question number 3 of uh, unit number 16, lesson number 3. Open your uh, Oxford Progressive English book at page number 83.

कुछ दरवाजे जो होते हैं वो आवाज करते हैं बहुत जोर से आवाज करते हैं जब आप उन्हें खोलते हैं सो द करेक्ट वर्ड इज क्रिकिंग ठीक है क्रिकिंग नॉइस लेट सी अन अदर सेंटेंस यू समाइम्स ही रंबलिंग काइंड ऑफ नॉइस इन अ थंडर स्टॉन एंड द करेक्ट वर्ड इज रम्बलिंग क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जब मौसमधार बारिश होती है तो आवाज आ रही होती है ठीक है अजीब आवाज आ रही होती है तो उसे क्या कहेंगे हम रम्बलिंग ठीक है इन द नेक्स्ट लाइन इन स्टोरीज़ विच इज एंड गोस्ट प्ले ट्रिक्स और डू मैजिक डैश मैजिक स्पेल्स द करेक्ट वर्ड इज स्पेल्स एस पी ई डब्ल एस एस पीई डब्ल एल एस स्पेल्स यहाँ पे स्पेल का मतलब क्या है मंतर ठीक है कुछ वर्ड्स जो ट्रिक जो मैजिशियन है ठीक है वो मैजिक करने के लिए जो मंत्र पढ़ते हैं या जो जिन्नात हैं या इस तरह से आपने एक्सेस स्टोरीज में देखा होगा ड्रामास में देखा होगा कि जो मैजिशियंस हैं या जो गोस्ट होते हैं ठीक है वो क्या पढ़ते हैं मंत्र पढ़ते हैं कुछ तो यहाँ पे स्पेल्स का मतलब क्या है मंतर सम फ्लोर्स आर मेड ऑफ लोड्स ऑफ वुडन डैश करेक्ट वर्ड इज फ्लोर बोर्ड्स अक्सर आपने देखा होगा कुछ जमीनें जो होती हैं ठीक है जैसे आपके घर है तो आपके घर की सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आपकी घर की